अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद साकिब और मैं करता हूं आप सबका खुशामदीद अपने यूट्यूब चैनल मंडी मवेशी में। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो आज हमें हम लोग आप लोगों की खिदमत में एक फार्म गोश भाई ने पाल रखे हैं इधर, ठीक है। तो उनके फार्म आए तो अभी आपको देते हैं यहाँ लाइव अपडेट। जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली यानी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? तो सबसे पहले आप अपना नाम और तार वगैरह सारा करा दें। जी, मैं हकीम मोहम्मद इसहाक अमीर हूँ और मैं मियांवाली के एक छोटे से गांव अल्लूवाली से बिलोंग करता हूँ और ये रैबिट फार्मिंग मैं कर रहा हूँ। तकरीबन पिछले 4-5 साल से मैं रैबिट फार्मिंग कर रहा हूँ। जी ठीक हो गया। तो अभी आपको रैबिट फार्मिंग का विज़िट कराते हैं। तो जी सबसे पहले जनाब मेरे पास है जी कैलिफोर्निया ब्रीड है। कैलिफोर्निया जिसका नोज कान और पांव ब्लैक होते हैं और ये साथ ही ये देख लें जी नाज़रीन, दिखाएं खूबसूरत, ठीक है। इसके पांव देख लें जी नाज़रीन, माशाल्लाह बिल्कुल जी कैलिफोर्निया है जी। कैलिफोर्निया और ये न्यूजीलैंड वाइट है जी। न्यूजीलैंड वाइट है, ब्रीडर फीमेल है और इसका मैंने और इसने ब्रीड भी की हुई है, इसने बच्चे भी दिए हुए हैं माशाल्लाह। और ये तकरीबन 4 kg प्लस ब्रीड है जनाब। 4 kg से ज़्यादा वजन है इसका। इसका अंदर बेबी आए हुए हैं, देख दिखा दें जी थोड़ा सा। ये तकरीबन तीन चार दिन के बनीज हैं। किधर गए? ये हैं अंदर, उसके अंदर हैं जी। अच्छा अंदर है अभी, ठीक हो गया। अभी अंदर है नज़र आ रहा है, ठीक ठीक हो गया। तो आपको सबसे पहले ये बताएं कि इसका शौक कैसे चला, पेशा क्या रहा आपका? शुरू में मैं एक डिफेंस फोर्सेस से ताल्लुक रखता हूं। मैं जब रिटायरमेंट पे आया हूं तो कुछ पेयर मैंने रखे थे, तो फिर शौक़ के साथ ये बिज़नेस बनता गया। शुरू में मैंने 4 पेयर से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे पास तकरीबन 250 रैबिट है और इन्हीं मेरी घर की ब्रीड है और मैंने इन पर काफ़ी फोकस किया और तवज्जो दी, जिसकी वजह से इनका अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी 250 के करीब रैबिट्स हैं जी इस फार्म पे। और मेरे फार्म का नाम है मियांवाली रैबिट फार्म, क्योंकि मैं मियांवाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ तो इस वजह से मैंने मियांवाली ही का नाम रखा है जी। वैसे ये मियांवाली के कस्बे में मैंने रखे हुए हैं जिसका नाम है जी अल्लूवाली। अल्लूवाली, ठीक हो गया। तो ये आपने कितनी नस्लें रखी हुई हैं? शुरू में मैंने 3 नस्लों पे काम किया था, फ्लेमिश, दूसरा कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड वाइट। अभी मैं 2 नस्लों पे सिर्फ काम करूँ, फ्लेमिश को मैंने ख़त्म कर दिए, अब सिर्फ न्यूजीलैंड वाइट और कैलिफोर्निया। ज़्यादातर ब्रीड जो मेरे पास है वो न्यूजीलैंड वाइट की है। न्यूजीलैंड वाइट की है माशाल्लाह। तो ये कितनी उम्र वाले हैं आपके पास? मेरे पास तकरीबन पुराने 3-3 साल वाले भी रैबिट हैं, 2 साल के भी हैं और मैं इनको ज़्यादातर ना रिफ़्रेश करता रहता हूँ कि हर साल मैं अपनी ब्रीड तैयार करता हूँ और उसे ब्रीड लेके फिर या तो मैं स्लॉटरिंग करवा देता हूँ या फिर मैं उनको अगली देखता हूँ, नस्ल अगर अच्छी है, अच्छी ब्रीड कर रहे हैं तो फिर उनको अगली ब्रीड के लिए तैयार करता हूँ माशाल्लाह। तो अगर किसी भाई को चाहिए हो आपसे रब्ता कर ले? जी बिल्कुल करें जी, मोस्ट वेलकम। हम तो इस पे लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, इनके मतलब ओवरऑल इनके बारे में बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसका जो मीट है वो बड़ा ऑर्गेनिक है और दूसरा ये है कि इसमें हर पेशेंट, अगर वो हार्ट पेशेंट है, फालिज का मरीज़ है, तो वो ये गोश्त इसका खा सकता है और ये बहुत ज़बरदस्त मीट है जी और कोलेस्ट्रॉल से बिल्कुल पाक है। जबर। तो सबसे कम कीमत वाले कौन से हैं जो आप से कोई ले सकता है, क्योंकि बच्चे तो आप नहीं देते होंगे? बिल्कुल जी, मैं बच्चे देता हूँ। असल में ज़्यादातर तो हम बनीज सेल करते हैं, ब्रीडर हम बहुत कम सेल करते हैं, उनसे हम प्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है। और ये बनीज पड़े हुए हैं, ये फीमेल्स हैं सब, सारी फीमेल जी। इसमें 1-2 पीस जो है ना वो क्रॉस ब्रीड के हैं जी, जैंट अगोरा और कैलिफोर्निया का क्रॉस भी है। जबरदस्त। और ज़्यादातर मेरे पास ना न्यूजीलैंड वाइट है। न्यूजीलैंड वाइट जी। तो इनकी डिमांड क्या करते हैं आप? डिमांड
कपल देते हैं, कपल भी देता हूँ, ट्रायो सेट भी देता हूँ, और ज्यादातर तो हम कपल देते हैं यानी नर और मादा गारंटी के साथ देते हैं, और उनका वेट भी माशाल्लाह अच्छा गेन होता है। ज्यादातर तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं न्यूजीलैंड वाइट की फीमेल्स का, तो मेल भी हमने सेल करने होते हैं क्योंकि वो भी अच्छी ब्रीड है। बिल्कुल, तो मैं कपल भी दे देता हूँ, ट्रायो सेट भी दे देता हूँ, 7,000 से 8,000 तक हम दे देते हैं जी, कम से कम जोड़ी, जी कम से कम जोड़ी जोड़ी की 7,000 से 8,000। तो इनको खुराक क्या कुछ देते हैं आप? इनको जी ज्यादातर मैं लूसन देता हूँ, अभी मेरे पास लूसन घास में आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल, ये ग्रास है जी, ज्यादातर ये मेरे पास मिक्स ग्रास है, मेरा ये अपना जाती रकबा है जी, जो मेरा ये फार्म भी मेरा अपना जाती है और घास भी मेरा अपना जाती है, इसकी वजह से मैं ये देखें, ये लूसन लूसन और जो हम जो अपने जुबान में जोंदरा कहते हैं, जोंदरी भी कहते हैं, और ये मिक्स ग्रास है जी, जिसकी वजह से बड़े शौक से खाते हैं, और इनकी माशाल्लाह आप हेल्थ देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये नीचे जी ये देखें, ये जी माशाल्लाह एक्टिव हैं। इनका वज़न क्या होगा? इनका वज़न तकरीबन 3.5-4 kg तक है जी। मेरे पास ब्रीड है तकरीबन 4 kg प्लस तक जाती है, 4 kg प्लस तक जाती है, ज़बरदस्त इनके पास जो ब्रीड है 4 kg प्लस तक जाती है। ये माशाल्लाह ये देखें जी, बिल्कुल इसका तो आराम से होगा जी, ये प्लस तकरीबन 5 kg ब्रीड है, 5 kg बिल्कुल 5 kg तक इसका वेट है जी, बिल्कुल माशाल्लाह। ये चेक कर लें जी नाजी, और ये कौन सी है? ये न्यूजीलैंड वाइट, न्यूजीलैंड वाइट है, ये देख लें जी माशाल्लाह, न्यूजीलैंड वाइट और खूबसूरत और साफ सुथरे हैं इनके पास, ठीक है। और बाकी ये बताओ, ये मिट्टी खोद के घर बनाते हैं ये सारे? ये नहीं, ये वैसी ब्रीड जो है बिल्कुल मिट्टी खोदते हैं, लेकिन हमने इनको केजेस में रखा हुआ है, ठीक है, और ये केजेस में बड़े खुश रहते हैं, और ब्रीड भी केजेस में करते हैं, ब्रीड भी केजेस में करते हैं। ये देख लें जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा सिस्टम बना रखा है, ठीक है ना जी, तो खूबसूरत, ठीक है। तो जिस भाई को भी अगर शौक है तो इनसे रابطہ कर लें, ये आपको हेल्प भी कर देंगे, ठीक है, हकीम साहब हैं इधर के, ठीक है, और ये आपको हेल्प कर देंगे कि किस तरह इनकी देखभाल करनी है, ठीक है, और बीमारियां कौन कौन सी होती है जिनसे आप हिफाजत करते हैं इनकी? नहीं जी, बीमारियां इसमें ना होने के बराबर हैं, ना होने के बराबर, जी हाँ, बीमारियां बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल 0% है, बिल्कुल 0%। हाँ, अलबत्ता इनको अगर एनवायरमेंट आप अच्छा देते हैं, मीन्स के अगर इनका वेंटिलेशन प्रॉपर हो तो बीमारियां ना होने के बराबर हैं। बीमारियां इनका ज़्यादातर स्केबी आती है, जो स्किन की लगती है, खारिश वगैरह, तो वो अगर सफाई हो तो वो भी ना होने के बराबर, वो भी ना है। जी हाँ, चलो बाकी हम अल्हम्दुलिल्लाह हर कस्टमर को जो हमारा दोस्त हमारे पास आता है परचेज़ करता है उसको हम प्रॉपर गाइड भी करते हैं और उनको रहनमाई भी करते हैं प्रॉपर प्रॉपर। ज़बरदस्त, तो जिस भाई को चाहिए हो आपसे फिर किस तरह रब्ता करें? व्हाट्सअप जी, व्हाट्सअप नंबर है जी आपको माशाल्लाह स्क्रीन पे भी मिल जाएगा जी, और मैं अपना बता भी देता हूँ, 0300 मेरा मोबाइल नंबर है जी, 0300-1247-886-886, ठीक हो गया, ये जी आपके पास आ गया है, और एड्रेस पूरा आपने बता दें नाम वगैरह के साथ। मेरा नाम हकीम मोहम्मद इसहाक अमीर है जनाब, और मैं डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली आगे है, तहसील पिपला का एक गाँव है जी अल्लू वाली, और मियाँ इस फार्म का नाम है मियाँ वाली रैबिट फार्म, ठीक है नाजी, ये आपके पास आ गया मियाँ वाली रैबिट फार्म, और बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग की हुई है इन्होंने इधर, ठीक है, तो ये आपको इधर से मिल जाएंगे। इन्होंने अब दो नस्लें बस रखी हुई हैं, कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड वाइट, ठीक है, तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है, इनका निज़ाम चल रहा है, ठीक है, 250 के करीब है, ठीक है, और यहाँ ये इनके यानी कि हर साल फ्रेश करते हैं, ठीक है, नए बच्चे इस तरह, ठीक है, इनको भी और जो साल दो साल के ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं वो बेचते रहते हैं, साथ ही साथ निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, फिर हम रख भी लेते हैं बिल्कुल। और बीमार जो है हार्ट अटैक के मरीज जी, कौन कौन से मरीज इनका गोश्त खा के फायदा में? हार्ट पेशेंट और फालिश का मरीज, बिल्कुल, जिसको गोश्त का मना है जी वो ये खा सकता है, बिल्कुल, जिससे गोश्त मना है वो ये खा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसके साथ अपने मेज़बान को दी इजाज़त, दुआ में याद रखिए, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।